क्या खूब कहा है किसी ने, वो चलते तो है तेज पर कहीं पहुंचते नहीं है। हमें कोई जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे पहुंच जाते हैं। आज की कहानी भी इसी विषय पर आधारित है। मैंने सुना है अरस्तु एक दिन सागर के किनारे टहलने गया और उसने देखा एक पागल आदमी, पागल ही होगा अन्यथा ऐसा काम क्यों करता, एक गड्ढा खोद लिया है रेत में और एक चम्मच लिए हुए है। दौड़कर जाता है, सागर से चम्मच भरकर आता है, आकर गड्ढे में डालता है, फिर भागता है, फिर चम्मच भरता है, फिर गड्ढे में डालता है। अरस्तु घूम रहा है, घूमता रहा है, फिर उसकी जिज्ञासा बढ़ी, फिर उसे अपने को रोकना संभव नहीं हुआ। सज्जन आदमी था, एकदम से किसी के काम में बाधा नहीं डालना चाहता था, किसी से पूछना भी तो ठीक नहीं, अपरिचित आदमी से यह भी तो एक तरह का दूसरे की सीमा का अतिक्रमण ही है। मगर फिर बात बहुत बढ़ गई, उसकी भागदौड़ इतनी जिज्ञासा भर गई कि यह मामला क्या है, यह कर क्या रहा है। पूछा कि मेरे भाई करते क्या हो, उसने कहा क्या करता हूँ, सागर को उलीच कर रहूँगा, इस गड्ढे में न भर दिया तो मेरा नाम नहीं। अरस्तु ने कहा कि मैं तो कोई बीच में आने वाला नहीं हूँ, मैं कौन हूँ जो बीच में कुछ कहूँ, लेकिन यह बात बड़े पागलपन की है, यह चम्मच से तू इतना बड़ा विराट सागर खाली कर लेगा, जन्म जन्म लग जाएंगे फिर भी न होगा, सदियां बीत जाएंगी फिर भी न होगा, और इस छोटे से गड्ढे में भर लेगा। और वह आदमी खिलखिलाकर हंसने लगा और उसने कहा कि तुम क्या सोचते हो, तुम कुछ अन्य कर रहे हो, तुम कुछ भिन्न कर रहे हो, तुम इस छोटी सी खोपड़ी में परमात्मा को समाना चाहते हो। अरस्तु बड़ा विचारक था, तुम इस छोटी सी खोपड़ी में अगर परमात्मा को समा लोगे तो मेरा यह गड्ढा तुम्हारी खोपड़ी से बड़ा है और सागर परमात्मा से छोटा है, तो बताओ पागल कौन है। अरस्तु ने इस घटना का उल्लेख किया है और उसने लिखा है कि उस दिन मुझे पता चला कि पागल मैं ही हूँ, उस पागल ने मुझे पर बहुत कृपा की, वह कौन आदमी रहा होगा, वह आदमी जरूर एक पहुंचा हुआ फकीर रहा होगा, समाधिस्थ रहा होगा, वह सिर्फ अरस्तु को जगाने के लिए, अरस्तु को चेताने के लिए उपक्रम को किया होगा। नहीं, तुम्हारी चाह तो छोटी है, चाय की चम्मच, इस चाह से तुम समाधि को नहीं पा सकोगे, चाह को जाने दो और फिर जल्दबाजी मचा रहे हो, जल्दबाजी में तो चम्मच में थोड़ा बहुत पानी आया, वह भी गिर गया, अगर ज़्यादा भागदौड़ की तो और ज़्यादा जल्दबाजी की, तुमने देखा ना कभी कभी जल्दबाजी में यह हो जाता है, ऊपर की बटन नीचे लग जाती है और नीचे की बटन ऊपर लग जाती है, सूटकेस में सामान रखना था वह बाहर ही रह जाता है, सूटकेस बंद कर दिया फिर उसको खोला तो चाबी नहीं चलती कि चाबी अटक जाती, तुमने जल्दबाजी में देखा स्टेशन पहुंच गए और टिकट घर पर ही रह गई, और बड़ी जल्दी की, जितनी जल्दबाजी करते हो उतने ही अशांत हो जाते हो, जितने अशांत हो जाते हो उतनी संभावना कम है समाधि की, शांत ही रहो और शांत होने की कला है अचाह से भर जाना, चाहो ही मांगो मत, कहो कि जब होना है होगा, हम प्रतीक्षा करेंगे, जल्दी भी क्या है, समय अनंत है।